गाइस अगर आप ऑनलाइन कोई महंगा आईफोन ऑर्डर करें और जब वो आईफोन आपके पास आ जाए और आप उसके बॉक्स को ओपन करके देखें तो वहाँ पर आईफोन की जगह साबुन निकल आए तो आप क्या करेंगे। ऐसा ही हुआ है एक सिमरन पाल नाम के इंसान के साथ। गाइस वहाँ पर उन्होंने आईफोन 12 को ऑर्डर किया था बट आईफोन 12 के बॉक्स के अंदर आईफोन की जगह निकले साबुन। गाइस आईफोन 12 का जो प्राइस है वो लगभग 53,000 रुपए के आसपास है। तो गाइस अगर आप आईफोन 12 ऑर्डर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और वहाँ पर जो आईफोन 12 की जगह साबुन निकला है वो पूरा मामला क्या है और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए या फिर आप कुछ भी महंगा मंगवा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बस इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी आईफोन 12 और साबुन का पूरा मामला क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस सबसे पहले जानेंगे ये आईफोन और साबुन का मामला क्या है, उसके बाद जानेंगे आपको क्या करना चाहिए। गाइस सबसे पहले अगर इस मामले की बात करें तो गाइस सिमरनपाल नाम के इंसान ने जो अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल चल रही है उसके अंदर से आईफोन 12 को ऑर्डर किया जो कि आपको लगभग 53,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। और गाइस जब वो डिलीवरी बॉय आईफोन 12 को देने आया तो वहां पर उन्होंने ओपन बॉक्स डिलीवरी को करवाया था और वहां पर उन्होंने एक वीडियो को भी रिकॉर्ड किया था। जब उसके बॉक्स को ओपन किया गया तो वहां पर साबुन निकले हैं। तो गाइस ये काफी ज़रा सीरियस बात हो जाती है। फ्लिपकार्ट और अमेजोन काफ़ी अच्छी वेबसाइट है बट यहाँ पर इस टाइप का फ्रॉड वो ठीक बात नहीं है बट ऐसा काफ़ी कम ही देखने को मिलता है बट इस केस के अंदर ये देखने को मिला है। अभी ये नहीं पता है कि ये गलती किसकी है, ये फ्लिपकार्ट की गलती है या फिर सेलर की गलती है या फिर डिलीवरी बॉय की गलती है, तो अभी ये पूरा कन्फर्म नहीं हो पाया है कि किसकी गलती है बट आईफोन 12 की जगह यहाँ पर साबुन निकला है जो कि 53,000 रुपये का ये मोबाइल था। साथ ही में गाइस अगर इस पूरे मामले की बात करें तो गाइस डिलीवरी बॉय के सामने ही वहाँ पर आईफोन 12 की जगह साबुन निकला है, उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी, ये काफ़ी अच्छी बात है। उन्होंने उस डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं किया था ना ही वहाँ पर उन्होंने उनको OTP शेयर किया था, तो ये यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ की है। काफ़ी मेहनत करने के बाद वहाँ पर उनको जो डिलीवरी थी उसको वहाँ पर कैंसिल करवा दिया गया है और जो उसका रिफंड था मोबाइल का पूरा पैसा वो उनके अकाउंट के अंदर आ चुका है। बट गाइस फिर भी एक सीरियस इश्यू हो जाता है, फिलहाल उनका जो भी पैसा था वो वापस आ चुका है। गाइस उनको यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, वहाँ पर उन्होंने डिलीवरी कंपनी से भी बात की थी, फ्लिपकार्ट वालों से भी बात की थी, उनके पास वीडियो भी थी। ये सबसे अच्छा हुआ कि उन्होंने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था और गाइस इसके बाद उनको उनका पूरा रिफंड मिल गया है। सो गाइस अब जानते हैं आपको क्या करना चाहिए अगर आप कोई महंगा सामान ऑनलाइन मंगवा रहे हो, चाहे वो आईफोन हो या फिर कोई भी मोबाइल हो। तो गाइस अगर आप कोई भी महंगा सामान या फिर जैसे कोई आईफोन या कोई मोबाइल हो गया, जब आप इसको ऑर्डर करते हो तो गाइस आप उसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी को अवश्य सेलेक्ट करें। साथ ही में गाइस जब उसकी डिलीवरी को ओपन कर रहा हो तो गाइस आप उसकी वीडियो भी जरूर रिकॉर्ड कर ले ताकि आपके पास सबूत हो, बट ऐसा होने का चांस काफी जरा कम है कि उसके अंदर कोई फेक चीज निकलेगी। बट गाइस इस केस के अंदर हुआ है तो काफी सारे लोग अभी घबरा गए हैं कि उनको आईफोन को ऑर्डर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस आप आईफोन को ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, बस आप ओपन बॉक्स डिलीवरी को सेलेक्ट कर लेना और आप वीडियो को भी रिकॉर्ड कर लेना और उनको OTP शेयर मत करना अगर उसके अंदर कोई फेक चीज निकल आए। साथ ही में गाइस अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये गलती किसकी थी, ये डिलीवरी बॉय की गलती थी, सेलर की गलती थी या फिर फ्लिपकार्ट वालों की गलती थी, बट अभी जो उनका पैसा था वो उनको वापस मिल चुका है। तो गाइस आपने भी ध्यान रखना है जब भी आप कोई महंगा सामान मंगाए तो गाइस आप ओपन बॉक्स डिलीवरी को ही सिलेक्ट करें और उसकी वीडियो भी जरूर रिकॉर्ड कर ले। जब आप उसको ओपन कर रहे हो आप उसको डिलीवरी बॉय से ही ओपन करवा ले और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ले। अगर कोई दिक्कत हो तो गाइस आप फ्लिपकार्ट को कॉल कर सकते हैं, आपका पैसा वापस हो जाएगा, बट ऐसा चांस काफ़ी कम होता है कि ऐसा कोई फ्रॉड हो, बट गाइस यहाँ पर हमें देखने को मिला है तो गाइस आपको आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो गाइस आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो गाइस ये थी आईफोन 12 की जगह साबुन निकलने की पूरी स्टोरी और ये आपने करना चाहिए। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।